हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एकदम मस्त और मीठी मीठी हमारी साबूदाना की खीर, जो हम व्रत और उपवास में ले सकते हैं ऐसी। तो चलो बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लिया है हमने एक पैन, उसमें डालेंगे हम 3 कप दूध। चलिए 3 कप। अब हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और एक उबाल आएगा तब तक हम पका लेंगे। यहाँ पे हमारा दूध का उबाल आने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और हमने यहाँ पे भिगोए हुए साबूदाना लिया है, जो हम डालेंगे 1.5 कटोरी। ये 1/2 कटोरी। अब हम इसको लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे ताकि नीचे से चिपक न जाए। जैसे जैसे ये साबूदाना दूध में पकते जाएंगे वैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होने जाएंगे। करीबन अभी हमें पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इसी टाइम पे हम डाल देंगे अब शक्कर। यहाँ पे हमने लिया है 1/2 कटोरी शक्कर। अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पे लिया है हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है काजू बादाम, इलायची और किशमिश। टाइम पे हम डाल देंगे हमारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब हम ये सारी सामग्री को करीबन 5 या 10 मिनट तक उबालेंगे स्लो फ्लेम पे ही। लेंगे हम थोड़ा सा वेनिला एसेंस, ये हमारे पास अवेलेबल हो तो ही डालेंगे, नहीं तो ये स्किप भी कर सकते हैं हम। अब ये हमारी खीर रेडी हो गई है। हमने इसको टोटल 20 मिनट तक पकाया है स्लो फ्लेम पे ही। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम सर्व करते हैं। अब हमारी साबूदाना की खीर को हम सर्व करते हैं। अब हम ऊपर से थोड़ा सा केसर के धागे रखेंगे डेकोरेट करने के लिए। अब हम उपवास में भी खीर बना सके ऐसी साबूदाना की खीर। ये हमारी डिलीशियस खीर रेडी है उपवास वाली। होप सो कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।